स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैडम राइड्स द बस का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, जो क्लास 10 CBSE का है और फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। एक अच्छे स्प्रिंग डे को, स्प्रिंग दिवस को, दोपहर के बाद बस जैसे ही उस पॉइंट को छोड़ने वाली थी, जो गांव को छोड़ने वाली थी और घूमने वाली थी मुख्य राजमार्ग की तरफ, तभी एक छोटी आवाज़ से मतलब है एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनी गई। और उस वो आवाज़ चिल्लाते हुए थी, और क्या चिल्ला के कहा गया, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठा हुआ था आदेशात्मक लहजे में। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। बस सरकते हुए धीरी हो गई, और कंडक्टर, जो कि अपना सिर दरवाजे से बाहर निकाला था, उसने कहा, जल्दी करो, जो कोई भी हो जल्दी करो, आओ। इट इज मी, शाउटेड वाली ने चिल्लाते हुए कहा, मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसे बस पे आना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डू नॉट से सो। और तब तक बस स्टॉप पे आ गई थी, रुक गई थी, और कंडक्टर ने कहा, ओ सचमुच तुम ही हो, तुम शायद ऐसा नहीं कही थी। कंडक्टर ने अपने विचार रखे। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वली। वली ने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ और मुझे ही टाउन तक, कस्बे तक जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर इज माई मनी, और वह अभी भी बस के सामने बाहर खड़ी थी, और उसने पैसा दिखाया कि देखो, ये मेरे पास पैसे हैं। शी शोड हिम सम कॉइंस, उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है, लेकिन पहले तुम बस में तो आ जाओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया उसकी सहायता करने के लिए। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, तब उसने कहा, वली ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, और ये जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया प्रकृति का था, और हंसी मजाक करने का उसका शौक था। ओ प्लीज डू नॉट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, उसने कहा, मेरी प्री मैडम, कृपया नाराज मत हो, मजाकिया लहजे में उसने मैडम कहा। ही सेड, उसने कहा, ए जी, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ पे एक दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ एक सीट है। एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज, हर कोई जरा किनारे हट जाओ, कृपा करके मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वेयर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, ये जो था बहुत ही हल्का फुल्का समय था, धीमा समय था, से मतलब है कि पिक आवर नहीं था, लोगों को भागी नहीं थी, और इस कारण से केवल बस में 6-7 सवारियां ही थीं। दे वेयर आल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विथ कंडक्टर, और वे सभी यात्री
वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विथ शाइनेस और वली शर्मा गई, शर्म से सराबोर हो गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आई सी वॉक क्विकली टू द एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और वह हर किसी की आंखों से बचते हुए वह तेजी से बढ़ी और एक खाली सीट पर बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड। कंडक्टर ने पूछा, मैडम क्या अब हम बस को चलाएं? स्माइलिंग देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, और उसने मुस्कुराते हुए यह बात पूछा। उसके बाद फिर दो बार उसने अपनी सीटी बजाई एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ ए रोर, और फिर बस गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ चली। इट वॉज ए न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। यह एक नई बस थी जिसके बाहर चमकता हुआ सफ़ेद और उस पर हरे रंग की पट्टियाँ पेंट की हुई थीं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ शीर्ष तक की ऊंची जो रॉड्स थीं, बार्स थीं, वो चांदी की तरह चमक रही थीं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और यह ठीक वली के सामने ही थी। एबव द विंडशील्ड देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, और विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वेयर सॉफ्ट एंड लग्जेरियस, और जो सीट थी वो मुलायम थी और काफ़ी लग्जेरियस थी, वैभवपूर्ण थी। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आई, वली ने सब कुछ अपनी आँखों में समेट लिया, मतलब जो कुछ था उसने आंखें भर भर कर देखा। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया तो उसने पाया कि एक कैनवास है, कैनवास ब्लाइंड है, जो उसकी खिड़की के निचले हिस्से को कवर किया हुआ है, जिसके कारण वह बाहर नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वह सीट पे खड़ी हो गई और उस कैनवास के ऊपर से बाहर की तरफ देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनाल, और अब बस नहर के किनारे से गुजर रही थी, जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, और यह जो सड़क थी बहुत ही संकरी सड़क थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज ग्रास लैंड डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू ब्लू स्काई। ऑन वन साइड देयर वॉज ए कैनाल, और इस सड़क के किनारे नहर थी, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे पाम ट्री थे, ग्रास लैंड था, घास का मैदान था, पहाड़ थे और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वॉज ए डीप डीच एंड देन एकर एंड एकर ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और दूसरी तरफ गहरी खाई थी और उसके बाद एकड़ों एकड़ों तक हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, इतने दूर दूर तक हरे हरे खेत थे जितने दूर तक आंखें देख सकती थीं। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ओ यह सब कितना आश्चर्यजनक है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाई ए वॉयस, तभी एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। लिसन चाइल्ड सेड द वॉयस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सेट डाउन। और यह जो आवाज़ उसने सुना था उसमें कहा गया, ए बच्ची तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, बैठते हुए उसने देखा कि आखिर कौन है जो उसको इस तरह से बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट सी वॉज एनॉइंग बाई हिज अटेंशन। यह एक प्रौढ़ व्यक्ति था जो पूरी ईमानदारी से उसके लिए चिंतित था, और पर ये जो वली थी उससे नाराज हो गई कि वो उस पर ध्यान दे रहा है, उसके गतिविधियों पर हस्तक्षेप कर रहा है। देर इज नो बॉडी हियर हु ए चाइल्ड सी सेड हाउटिली, उसने वली ने बहुत ही घमंड के साथ कहा, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स,
मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं, जैसा कि हर किसी ने दिया है। द कंडक्टर चाइम इन, ओ ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्रॉन अप मैडम। अब कंडक्टर ने कहा कि श्रीमान यह काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं मैडम। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक छोटी सी लड़की अपना किराया दे सकती है और अकेले ही कस्बे तक यात्रा कर सकती है? वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट ए मैडम। वली ने काफ़ी गुस्से से एक नज़र कंडक्टर पे डाली और उसने कहा, देखो मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपा करके इसको याद रखो। एंड यू हैव नॉट इट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट भी मुझे नहीं दिया है। आई शैल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा मैं याद रखूँगा, मिमिकिंग हर टोन, और उसने उसकी आवाज़ की मिमिक्री करते हुए कहा, उसकी आवाज़ की नकलें उतारते हुए कहा, एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। हर कोई हंस पड़ा और धीरे धीरे वली भी लोगों के साथ हंसने में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने टिकट काटा और उसे वली को पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, बैठ जाओ और अपने आप को सहज बनाओ। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर सीट, और तुम आखिर खड़ी क्यों हो जबकि तुमने सीट के लिए पैसे चुकाए हैं? बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी एंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और वह दोबारा खड़ा होते हुए उसने जवाब दिया कि मैं ऐसा चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम। लेकिन तुम जब सीट पे खड़ी होगी तो हो सकता है कि तुम गिर जाओ जब बस कोई तेज चक्कर लगाए या उछाल मारे। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सीट डाउन चाइल्ड, और यही वजह है बच्ची कि हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, उसने कहा कि मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। सी सेड इरिटेबली, उसने बहुत ही नाराजगी के साथ कहा, आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ। ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर्स माई, हाँ निश्चित रूप से मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम 8 साल की हो गई हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, तभी बस रुकती है और कुछ नए यात्री सवार होते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर फिर से व्यस्त हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, और इस डर से कि उसकी सीट खो न जाए, मतलब कोई और ना बैठ जाए, वली फिर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन कैम एंड सेट बिसाइड हर, एक प्रौढ़ महिला आती है उसके बगल में बैठती है। आर यू ऑल एलोन डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्री बच्ची, उसने पूछा जैसे ही बस फिर से चलने लगी। तो वली फाउंडेड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली ने पाया कि ये जो महिला थी वो पूरी तरह से नापसंदगी के लायक थी। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयरलोब्स, अपने ईयरलोब्स में बड़े बड़े छेद थे उसके, जब कान में कुंडल वगैरह पहना जाता है तो बुजुर्ग महिलाओं में छेद बड़ा बड़ा हो जाता है। एंड सच अगली ईयरलिंग इन देम, और उसमें काफ़ी कुरूप से गंदे से ईयररिंग्स भी थे। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट एंड वीमेन वाज च्यूमिंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वह उस पान सुपारी की महक को भी सूंघ पा रही थी जो वह प्रौढ़ महिला चबा रही थी, और देख पा रही थी कि ये जो पान का रस था उसके ओठों से कभी भी टपक सकता था। हु कुड बी सोशिएबल विथ सच ए पर्सन, अब इस ऐसे व्यक्ति से कौन घुल मिल सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, सी एंसर्ड कटली एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और उसने कहा, बोली ने कहा कि हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ, बिल्कुल नाराजगी दिखाते हुए उसने कहा, और मैंने एक टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ ए 30 पैसे टिकट।
तभी कंडक्टर कहा कि हाँ, इसने 30 पैसे दे के कस्बे तक का टिकट लिया है। ओ व्हाई डू नॉट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, सेड बली। और बली ने तभी कहा कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह फिर से हंस पड़ा जैसा कि वह शुरू से हंस रहा था। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन इस समय बली हंसी है। ऐसा कहते हुए बली हंस पड़ी कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और वह कंडक्टर भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वीमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवेल, और लेकिन वह जो प्रौढ़ बूढ़ी महिला थी उसके साथ नासमझी की बात करना जारी रखी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, क्या यह सही है कि एक तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को अकेले यात्रा किया जाए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम सही सही जानती हो कि तुम कस्बे में कहाँ जा रही हो। वाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली है। वाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है जहाँ तुम जाना चाहती हो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली से। वली ने जवाब दिया कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और ऐसा कहते हुए उसने अपने चेहरे को खिड़की की तरफ घुमा लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।